कल मैंने आपको बताया था कि हम MySQL के डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमें टेबल्स वगैरह बनानी हैं तो हमें डेटा टाइप पता होने चाहिए क्या है। तो जो हम MySQL में डेटा टाइप यूज करेंगे, यहाँ पे SQL लैंग्वेज यूज करनी है हमें MySQL में, तो कौन कौन से डेटा टाइप है। देखो बेटा, डेटा टाइप का जो कॉन्सेप्ट है आपको बताया था, उससे हमें पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर कॉलम जो है किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो वो हमें डेटा टाइप से पता चलता है। डेटा टाइप जो है, ये नहीं कि SQL के डेटा टाइप सभी MySQL में सेम ही रहेंगे, ठीक है, मोस्टली कॉमन रहते हैं, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर जो हैं वो कुछ अलग अलग टाइप के डेटा टाइप भी सपोर्ट करते हैं। तो हमें जो पढ़ने हैं वो MySQL के अकॉर्डिंग पढ़ने, कि MySQL में कौन से डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लिया हमारे पास फोटो अपलोड करना होगा, तो यहाँ पर हम MySQL में कमांड बेस पे कर रहे हैं, तो कमांड में इसमें GUI नहीं है, हमें कमांड सीखनी है, हमारे सिलेबस में कमांड बेस है, तो इसमें फोटो इमेज के टाइप मतलब नहीं आएगा, ठीक है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके रखा जाएगा। जबकि कुछ वो है GUI बेस, हमारे पास DBMS है, जैसे SQL सर्वर है, उसमें इमेज नाम का डेटा टाइप होता है, उसमें फोटो ही अपलोड हो जाता है, देख भी सकते हो आप, ठीक है। तो इसलिए डेटा टाइप कुछ चीज़ें जो हैं, सारे डेटा टाइप, जैसे बहुत सारे डेटा टाइप वो MySQL में कुछ सपोर्ट नहीं करते, कुछ जो है इसी में करते हैं, दूसरे में नहीं करते। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमें केवल यहाँ पे समझने कि जो MySQL में काम करेंगे वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखो, मैं आपको इसके बारे में यहाँ पे समझा देता हूँ, डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट क्या है। एक क्वेश्चन तो डेटा टाइप से ज़रूर बनता है, एग्ज़ाम में आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले यही है कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। कल आपको बताया था कि SQL के डेटा टाइप्स जो हैं वो हमें ये बताते हैं, डेटा टाइप ये डिफाइन करते हैं कि जो वैल्यूज है कोई कॉलम किस टाइप की वैल्यू को कंटेन या स्टोर करके रख सकता है। यानी SQL डेटा टाइप्स इज़ यूज टू डिफाइन द वैल्यू दैट ए कॉलम कैन कंटेन, ठीक है। या हम कह सकते हैं यहाँ पे इसने लिखा कि कोई भी अगर आपको टेबल बनानी है डेटाबेस में, तो हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो उस कॉलम का नाम हमें बताना पड़ता है और उसका डेटा टाइप, ठीक है। एवरी कॉलम इज रिक्वायर्ड टू हैव ए नेम, हर कॉलम का एक नाम होगा और उसका टाइप होगा। जो भी आपको टेबल बनानी है, टेबल में कॉलम होते हैं, कॉलम जो है उनका नाम और टाइप हमें बताना होगा। तो हमें इन टाइप का मेन यूज है, कैसे करना वो समझना आना चाहिए। कल मैंने आपको चार पांच डेटा टाइप बताए थे, मोस्टली 90% हमारा काम जो है अभी इस लेवल पे उन्हीं डेटा टाइप से हो जाएगा, ठीक है। जैसे इंट बताया था आपको, वेर कैर बताया था, डेट बताई थी आपको, फ्लोट बताया था आपको, ठीक है। तो इस तरह के जो डेटा टाइप हैं इनसे ही हमारा मोस्टली काम हो जाता है, ठीक है, बेसिक लेवल पे। लेकिन और भी कुछ डेटा टाइप हम पढ़ते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिकली तो हम उन पे का यूज़ करेंगे नॉर्मली, लेकिन एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे डेटा टाइप हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो कौन सा किस टाइप का होता है, डेटा टाइप की भी कैटेगरी बनाई गई है। यहाँ पर बेसिकली हमारे सिलेबस में जो डेटा टाइप दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग डेटा टाइप की जो कैटेगरी है उनमें पहला है न्यूमेरिक, ठीक है। एक न्यूमेरिक डेटा टाइप होते हैं जिसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास होता है टेक्स्ट टाइप के, टेक्स्ट या स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है, जिसमें हम टेक्स्ट टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तीसरा हमारे पास होता है कि हम डेट या टाइम टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं, डेट एंड टाइम, ठीक है। और फोर्थ होते हैं हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट टाइप के, फ्लोटिंग पॉइंट तो न्यूमेरिक में ही आ गया, इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट उसी में ही हम यूज़ करेंगे। फोर्थ हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, जैसे हमें इमेज या फाइल वगैरह अपलोड करनी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इनके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो इमेज या फाइल भी इसमें टेक्स्ट में ही कन्वर्ट करके करनी माई एस क्यू एल में। तो यहाँ पे तो मेन हम तीन कैटेगरी को ही देखेंगे, न्यूमेरिक, टेक्स्ट को
और डेट एंड टाइम को। तो पहले न्यूमेरिक से शुरू करते हैं बेटा। सबसे छोटा जो हमारे पास न्यूमेरिक में यहाँ पे होता है वो होता है बिट। आपने कंप्यूटर में भी देखा होगा बिट, बाइट, किलोबाइट, केबी, एमबी, ये सब आपने पढ़े ही हैं, ठीक है। तो बिट सबसे पहले आता है उसके अंदर भी। तो बेटा जो हमारे पास बिट है, बिट डेटा टाइप हमें कैसे यूज करना, बिट और ब्रैकेट में साइज लिखेंगे, ठीक है। बिट के ब्रैकेट में क्या लिखना है हमें, साइज। तो जैसे बिट वन, बिट टू, इस तरह से। तो यहाँ पे ए बिट वैल्यू टाइप, यहाँ पे बिट टाइप की वैल्यू दे सकते हैं। ये क्या करता है, द नंबर ऑफ बिट पर वैल्यू इज स्पेसिफाइड इन साइज। साइज में हम बताएंगे कि हर उसका क्या कितनी बिट लेगा कोई पर्टिकुलर। साइज में आप 1 से 64 तक लिख सकते हो, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 1 रहती है। जैसे आपने खाली बिट लिख दिया कि एक डेटा टाइप है, जैसे मान लिया एज नाम का डेटा टाइप है, उसमें आपने बिट टाइप दे दिया, तो बिट बाय डिफॉल्ट 1 रहेगी, ठीक है। तो 1 बिट का ही उसमें आप नंबर लिख सकते हो। तो इसके बाद अगर आपको ज़्यादा बिट का लिखना, तो आप जो है वहाँ पे बिट का साइज जो है मिनिमम 1 हो सकता है और मैक्सिमम 64 इसमें लिख सकते हो। तो ये हमारे पास बिट 1 से लेके ऐसे करके आप बिट 64 तक दे सकते हो, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे बिट का आपको पता कि अगर एक कैरेक्टर भी आपको लिखना, तो एक कैरेक्टर 8 बिट का होता है ना, पता है ये सब आपको, कि आस्काई कैरेक्टर अगर हम यूज करते हैं, आस्काई कैरेक्टर, तो वो नॉर्मली 7 बिट का होता है। और आस्काई के एक्सटेंडेड, जिसमें माइनस भी यूज होते हैं, प्लस भी यूज होते हैं, तो एक्सटेंडेड आस्काई जो होते हैं वो 8 बिट के होते हैं। और कोई कैरेक्टर आस्काई के फॉर्मेट में लिखा जाता है, इंग्लिश के कैरेक्टर जो होते हैं। आस्काई होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो ये कंप्यूटर में कोड यूज करे जाते थे, आजकल यूनिकोड यूज करते हैं। यूनिकोड वर्ल्ड की सभी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ये जो है 2 बाइट का होता है, 2 बाइट्स मतलब 16 बिट का होता है, ठीक है। तो इसमें जो है हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, चाइनीज, जापनी, सारी लैंग्वेज आ जाती हैं। आस्काई कैरेक्टर केवल इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये है बिट, लेकिन हमें इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिकली हमें इसको ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतनी छोटी वैल्यू की हमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ में आ जाते हैं हम टिनी इंट में। दूसरा डेटा टाइप है न्यूमेरिक का ही टिनी इंट, इसमें भी साइज देते हैं। टिनी इंट, टिनी का मतलब होता है बहुत छोटा, ठीक है। तो जब हमें छोटी वैल्यू ही देनी हो, तो इसमें केवल -128 से लेके प्लस के 127 तक की वैल्यू ही आप लिख सकते हो। अगर आपको माइनस और प्लस दोनों में लिखनी, ये साइन में हो जाता है। अगर आपको अनसाइंड यूज करेंगे तो 0 से 255 चलता है, बाय डिफॉल्ट जो है वो साइन में ही यूज होते हैं ये। तो अगर मान लिया जैसे आपको एज लिखनी है, तो एज को आप टिनी इंट में लिख सकते हो, ठीक है। एज को आप टिनी इंट में लिख सकते हो, क्योंकि किसी की एज 127 से ज़्यादा तो होगी नहीं, ठीक है बेटा। तो ये है, लेकिन इसको भी आपको यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साइज पैरामीटर में मैक्सिमम वैल्यू आप 255 लिख सकते हो, कि 255 ये अगर यहाँ पे आपको अनसाइंड करना 0 से 255, नहीं तो 127। ये बस आपको याद रखने है, क्योंकि एमसीक्यू में पेपर में पूछे जा सकते हैं कि न्यूमेरिक कौन सा होता है। न्यूमेरिक में बिट भी होता है, टिनी इंट भी होता है। इंट के भी अलग अलग टाइप हैं, जैसे यहाँ पे टिनी इंट हो गया, स्मॉल इंट हो गया, मीडियम इंट हो गया, इंट हो गया, ठीक है। वे सब इंट में ही आते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास एक डेटा टाइप है बूल। बूल का मतलब होता है बूल और बुलियन दोनों एक ही हैं। आप बूल लिख लो या बुलियन दोनों से चल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ट्रू या फॉल्स वैल्यू देनी होती है, तो बूल या बुलियन का यूज करते हैं, जिसमें 0 को हम फॉल्स मानते हैं, 0 के अलावा कुछ भी लिखो वो सब ट्रू माना जाता है। नॉन जीरो वैल्यू जो भी होंगी वो ट्रू मानी जाएंगी। कुछ भी का मतलब न्यूमेरिक वैल्यू ही होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप ए बी सी लिखने लगो, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे पास न्यूमेरिक डेटा टाइप है, वो न्यूमेरिक में कन्वर्ट करके ही उसको लेता है।
तो बूल और बूलियन एक ही हैं, ये हमारे पास यहाँ पे लिखा इक्वल टू बूली होता है। ठीक है, अब है इसके बाद स्मॉल इंट। देखो इंट के कुछ टाइप दिए हैं, पहला हमारे पास है टिनी इंट। टिनी इंट का जो रेंज होता है वो माइनस के 128 से ये पूछ लिए जा सकते हैं प्लस के 127 तक होता है। अगर आपको इस रेंज में वैल्यू लिखनी है, आपको पता है इससे ज़्यादा वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी, तो आप टिनी इंट डेटा टाइप यूज कर सकते हो। ठीक है, स्मॉल इंट का यूज करना है आपको अगर आपके पास वैल्यू माइनस के 32,768 से प्लस के 32,767 की रेंज में है। ठीक है, ये बेसिकली टिनी इंट 1 बाइट का होता है। जो स्मॉल इंट होता है ये 2 बाइट होता है इसका साइज। अगर वैसे साइज पूछा जाए तो ये 1 बाइट का और ये 2 बाइट। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं बेटा, बताओ जल्दी से। कितनी माइनस के 127 से लेके प्लस के एक माइनस के 128 से लेके प्लस के 127 तक। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 1 बाइट का होता है। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं बताओ? 8 बिट होते हैं। तो एट एट बिट होते बिट्स हैं। को अगर बिट्स मतलब बाइनरी में काम करते हैं 0 या 1 में, तो 2 की पावर 8 कर देंगे। अगर दो ही चीज़ होती हैं इसमें तो 256 वैल्यू होती हैं टोटल इसमें। 256 वैल्यू को आप देखोगे माइनस के 128 से प्लस के 127 तक 256 वैल्यू ही होंगी अगर साइन में यूज करेंगे। अगर केवल पॉजिटिव वैल्यू यूज करेंगे तो ये केवल इतनी होंगी 0 से लेकर 255 तक, टोटल 256 वैल्यू होती हैं टिनी इंट में। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं स्मॉल इंट की, तो बेटा स्मॉल इंट जो होता है उसकी रेंज माइनस के 32,768 से लेके प्लस के 32,767 तक होती है। इस रेंज में बात करें तो ये 2 बाइट्स का होता है। 2 बाइट्स का मतलब 16 बिट्स का होगा बेटा ये। ठीक है, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होती हैं, 2 बाइट में 16 होगी। तो अगर आप 2 की पावर 16 करेंगे तो 65,536 आएगा। तो ये 65,536 वैल्यू है माइनस के 32,768 से लेके प्लस के 32,767 तक। अगर इनको साइन में नहीं लिखेंगे मतलब अनसाइन कर दो आप पॉजिटिव, तो ये 0 से लेके 65,535 तक हो जाएंगी। ठीक है, एक कम हो जाएगी, 36 से 35 हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि एक जीरो में चला गया। तो अगर आपको इस रेंज में वैल्यू लिखनी हो तो आप स्मॉल इंट यूज करेंगे। अगर आपको केवल इस रेंज में ही लिखनी है तो टिनी इंट यूज करेंगे। ये स्मॉल इंट टिनी इंट तब यूज करने पड़ते हैं जब आपके पास मेमोरी कम हो। भाई मुझे वैल्यू कम लिखनी, ठीक है, मुझे एज लिखनी, जैसे 100 से ज़्यादा किसी की एज मुझे लिखनी नहीं, तो मैं बड़े साइज़ का क्यों लूँ, छोटे साइज़ में ही काम चल जाए, कम मेमोरी लगेगी। अब आप लिखो, चाहे 1 लिखो 10 लिखो या 32,000 लिखो, अगर आपने स्मॉल इंट ले लिया हर नंबर को लिखने के लिए वो 2 बाइट ही लेगा, चाहे नंबर छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्योंकि वो स्पेस तो उतना ही, मतलब सभी नंबर को बराबर साइज़ बराबर ब्लॉक देगा। ठीक है बेटा, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल मेमोरी की कोई इतनी वो नहीं होती है, अगर आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो तो वो तो बहुत बड़े डेटाबेसेस की बात होती है, वहाँ पे इनका यूज़ करते हैं हम। लेकिन जब आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो, आपके कंप्यूटर में तो 1 TB मेमोरी पड़ी हुई होगी, ठीक है, तो काफ़ी मेमोरी, तो आपको मेमोरी की कोई ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। तो हम इंट ले लेते हैं जिसमें सभी कितनी भी बड़ी लिखो छोटी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक होता है बेटा हमारे पास मीडियम इंट। मीडियम इंट जो है इससे भी बड़ी साइज का हो जाता है, उसकी रेंज इतनी हो जाती है, यहाँ तक की वैल्यू आप लिख सकते हैं। इसके अंदर जो है बेटा 255 डिजिट का नंबर आप यहाँ पे ये लिखा हुआ है, उन्हें पैरामीटर मैक्सिमम डिस्प्ले विड्थ दी हुई है 255 इसमें, तो वहाँ तक की रेंज तो यही है, नंबर तो इतना बड़ा ही लिख सकते हैं हम, केवल इस रेंज में नंबर जा सकता है, इसमें भी इस रेंज में नंबर। वैसे ये वाली रेंज नहीं यूज होंगी ना ही इसमें, ये केवल माइनस वाली होंगी क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली चलती है। अगर आपको ये करनी तो उसको अनसाइंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हम केवल इन्हीं रेंज का यूज़ कर सकते हैं। अब देखो इनमें से प्रैक्टिकली अभी प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, वो करना है आपको ये वाला।
ठीक है, तो जितने भी न्यूमेरिक हैं, न्यूमेरिक में हमें ना टिनी इंट का यूज़ करना, ना स्मॉल इंट का, ना मीडियम का, ना बूल का, ना बूलियन का, ठीक है, उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है केवल इसकी, इंटीजर की। या तो आप इंटीजर लिखो, साइज उसमें डाल दो, या आप इंट लिख दो खाली, ये ऐसे भी चलता है इंट साइज, या खाली इंट लिखने से भी चल जाता है, या ये इंटीजर साइज करने से भी चल जाता है, ठीक है, तो तीनों है। अगर आप खाली इंट लिखते हैं तो खाली इंट जो है ये इक्वल टू होता है इंटीजर साइज में 11, ये बाय डिफॉल्ट इसका साइज 11 होता है। एक होता है बेटा बिग इंट, बिग इंट जो है इंटीजर से भी बड़े साइज का होता है, इसमें इतने बड़े नंबर तक आप लिख सकते हो, इस रेंज में अगर आपको बहुत बड़ा नंबर लिखना तो ये आ जाता है। जो हमारे पास इंटीजर टाइप है, जैसे आपको मोबाइल नंबर लिखना, तो वो इंटीजर की रेंज में नहीं आएगा, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का हो जाता है, 10 डिजिट इसमें नहीं आ पाती, तो आपको बिग इंट में लिखना पड़ेगा मोबाइल नंबर, ठीक है। अगर वैसे मोबाइल नंबर पे हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, तो उसको आप टेक्स्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो पहले हम ये इंटीजर के बारे में समझते हैं, जो इंटीजर टाइप की वैल्यू है वो हमारे पास कौन कौन सी हुई हैं, टिनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, इनका साइज इस तरह से ही चलता है। अगर आपसे पूछा जाए इनमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो असेंडिंग ऑर्डर ऐसे, पहले टिनी इंट, फिर स्मॉल इंट, फिर आता है मीडियम इंट, फिर आता है इंट, फिर आता है बिग इंट, ठीक है। तो ये इंटीजर के हमारे पास 5 टाइप है बेटा। अब देखो, इसके बाद अगर आपको न्यूमेरिक में और भी वैल्यू लिखनी, तो एक आपको बताया बूल, एक आपको बताया बूलियन, तो बूल और बूलियन का भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बूल और बूलियन भी हमारे पास वो न्यूमेरिक डेटा होते हैं। एक आपको बताया था बिट, ठीक है, बिट इनमें सबसे छोटा है, अगर इसमें भी जाए तो बिट सबसे छोटा होगा। बूल और बूलियन तो ट्रू या फॉल्स के लिए ही यूज करे जाते हैं। तो इस तरह से बेटा हमारे पास इंटीजर वैल्यू यूज करी जाती है। अब हमने खाली इंटीजर ही नहीं बात करी थी, हमने बात करी थी न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में 2 तरह की वैल्यू है हमारे पास, इंटीजर भी है और फ्लोटिंग पॉइंट भी है, ठीक है। तो जिसमें मतलब दशमलव लगा कर लिख सकते हैं, इन वैल्यू में पॉइंट लगा कर दशमलव लगा कर नहीं लिख सकते। ये सारी जो वैल्यू हैं ये केवल न्यूमेरिक रहे, इंटीजर टाइप की रहेंगी, इनमें दशमलव नहीं लगा सकते आप, ठीक है, डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा। अगर आपको डेसिमल पॉइंट में लिखना है, तो सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले माई एसक्यूएल में डेटा टाइप है, एक फ्लोट होता है, एक डेसिमल होता है, ठीक है, आप डबल का भी यूज कर सकते हो। तो फ्लोट का जो है इसका मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, आप लिख सकते हो। इसमें 2 चीज़ें दी हुई हैं, एक साइज और एक डी, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फ्लोट एम कोमा डी, एम का मतलब साइज ही है। तो ये जो साइज है, साइज क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, कितनी डिजिट का नंबर आपको लिखना। डी का मतलब है नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल प्लेस, यानी दशमलव जो लगा हुआ है आपका, दशमलव के बाद में कितनी डिजिट आएंगी, उसको बोलते हैं डी। ये जो नंबर ऑफ डिजिट होती हैं डेसिमल के बाद में बेटा, इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में प्रिसिशन भी बोलते हैं। आप फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, आपने मैथ में भी पढ़ा होगा प्रिसिशन, और इसको जो बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ डिजिट को स्केल। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्केल क्या होता है, स्केल किसी भी नंबर की टोटल नंबर ऑफ डिजिट को इसको स्केल बोला जाता है, और प्रिसिशन का मतलब दशमलव के बाद के डिजिट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रिसिशन। अब जैसे मान लिया मैंने लिखा 125.34, तो बताओ इसकी स्केल क्या है और प्रीसेशन क्या है। स्केल 125 है। स्केल 125, अच्छा, और प्रीसेशन 34। नहीं बेटा, यहाँ पे नंबर लिखा हमने, नंबर ऑफ डिजिट, डिजिट क्या है वो नहीं पूछा। तेरा स्केल नंबर 3 हो जाएगा फिर। है स्केल 3 हो जाएगा। स्केल बेटा 5 होगा और प्रीसेशन 2 होगा, ठीक है,
प्री सेशन का मतलब बताया दशमलव के बाद के डिजिट, और यहाँ पे लिखा टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल में मतलब दशमलव से पहले भी और दशमलव के बाद में भी, वो होगा हमारा प्री सेशन, वो स्केल बन जाएगा टोटल। तो स्केल में टोटल ये 5 डिजिट है। ऐसे ही आपने लिखा 68.3, तो इसका प्री सेशन क्या होगा 1 और स्केल क्या होगा 3। ठीक है, 3 मतलब जो हमारे पास, अगर यहाँ पर कन्फ्यूज ना हो हम ऐसे लिख देते हैं, 3 मतलब टोटल डिजिट, इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा दी नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज स्पेसिफाइड इन द डी पैरामीटर। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ डिजिट वो साइज में हम लिखेंगे। ठीक है, ये जो डेटा टाइप है फ्लोट वाला, ये माई एसक्यूएल के 8.0.17 वर्जन में और उसके बाद के वर्जन में हटा दिया गया है, इसको अब यूज नहीं किया जाता, इसकी जगह डेसिमल वाला यूज करते हैं हम। तो हम डेसिमल अभी पढ़ाएंगे, जो फ्लोट काम करता है वही डेसिमल काम करता है, तो फ्लोट वाले को हटा दिया, अब डेसिमल वाले को यूज करते हैं। एक डबल भी होता है, डबल नॉर्मल साइज का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, इसमें भी सेम ही चीज होती है, नंबर ऑफ डिजिट और उसका साइज, ये भी होता है। ठीक है, बस साइज इसमें डिजिट जो है, रेंज जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अब देखो ये डेसिमल वाला है जो आजकल यूज किया जाता है। ठीक है, नए वर्जन में, पुराने में, इनमें सब में डेसिमल का यूज हो जाएगा। ये एग्जैक्ट फिक्स पॉइंट नंबर होता है, यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो है वो साइज में लिखोगे और डेसिमल के पॉइंट के बाद की डिजिट जो है डी में लिखोगे आप, और मैक्सिमम नंबर ऑफ साइज इसमें 65 हो सकता है। ठीक है, यानी साइज की वैल्यू जो है वो 65 हो सकती है, यानी स्केल जो है आपकी वो इसमें मैक्सिमम 65 हो सकती है। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ डी मतलब प्री सेशन डी जो है वो 30 हो सकती है, यानी प्री सेशन 30 हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो अगर आप नहीं दोगे तो 10 साइज का लेगा और 0 जो है वो उसकी होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू डी की, प्री सेशन की। समझ में आई बेटा, ये हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू, इनको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। हम देखो कैसे हम प्रैक्टिकली करेंगे इनको, पहले न्यूमेरिक वैल्यू को ही समझ लेते हैं। ये हमारे पास माई एसक्यूएल है, कल हमने एक डेटाबेस बनाया था बेटा, क्या नाम था उसका बताएगा कोई? CUET था क्या? हाँ, CUET। तो उसको हमें ओपन करना, कैसे ओपन करेंगे? नहीं बेटा, यूज करेंगे, नाम तो हमें पता ही है, यूज लिखेंगे, यूज डॉक्टर यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ गए, अब हमें टेबल बनानी है, तो अभी हम न्यूमेरिक डेटा टाइप की टेबल बनाएंगे। देखो टेबल कैसे बनती है, सबसे पहले टेबल बनाने के लिए क्रिएट नाम की क्वेरी का यूज करेंगे। ठीक है, आपको बताया था क्रिएट नाम की क्वेरी जो है ये डेटाबेस भी बनाती है, टेबल भी बनाती है। अगर क्रिएट के बाद में डेटाबेस लिख देते हैं तो डेटाबेस बनाती है, और इसके बाद में अगर टेबल लिख देंगे तो ये टेबल बना देंगे। टेबल का नाम देंगे फिर, किस नाम से आपको टेबल बनानी है। ठीक है, ये सिंटैक्स होता है क्रिएट टेबल का। यहाँ पे कल हमने कितनी क्वेरी तक पढ़ ली थी, 4-5 लिखी है आपने, नोट कर रखी है ना? पता नहीं है, 5 कह ली, तो चलो 6 नंबर डाल लेते हैं इसमें। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, यहाँ पे क्वेरी है टू क्रिएट ए न्यू टेबल, एक नई टेबल हमें कैसे क्रिएट करनी, तो क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ब्रैकेट लगाएंगे, उसके कॉलम का नाम देंगे, फिर स्पेस देके हम कॉलम का डेटा टाइप देंगे, फिर कोमा, फिर दूसरे कॉलम का नाम। ठीक है, कॉलम नेम 2, कॉलम नेम 1, और फिर उसका डेटा टाइप, जितने भी कॉलम आपको देने इसी तरह से आप करते चले जाएंगे, फिर ब्रैकेट बंद और सेमी कोलन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम समझते हैं यहाँ पर, जैसे मान लिया एक टेबल बनानी मुझे जिसमें आईडी लिखी हो, एज लिखी हो और
जो है फीस लिखी हो मान लिया, या किसी का प्राइस लिखा हो, ठीक है, एक बुक की बना लेते हैं, बुक नाम की एक टेबल बनाएंगे। बुक की आईडी होगी, बुक में कितने पेजेस हैं और बुक में का प्राइस क्या है, एक बुक नाम की टेबल बनानी है बेटा, ठीक है। तो बताओ आईडी जो है मुझको लिखनी है, जैसे ऐसे लिखना है यहाँ पे आईडी, एक बुक की 1 है, दूसरे की 2 है, इसमें 400 पेज है, इसमें 350 पेज, इसका प्राइस जो है 350 रुपये 50 पैसे है, इसका प्राइस 180 रुपये 90 पैसे है, ठीक है। तो ये बताओ ये जो आईडी पेजेस और प्राइस हैं, ये तो कॉलम के नाम हो जाएंगे, ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, तीन कॉलम हमारे पास बनेंगे। अब हमें डेटा टाइप भी बताना है इनका, तो हमने अभी न्यूमेरिक डेटा टाइप पढ़े, तो न्यूमेरिक वाले ही हम यहाँ पे यूज करेंगे, यूज न्यूमेरिक वैल्यू ही लिख रखी है हमने। तो आईडी का टाइप क्या बनेगा, कौन से इंट। टाइप में रखेंगे, इंट में रखेंगे। तो जो हमारे पास नॉर्मल नंबर आएंगे उनको आप टिनी विनी ये सब छोड़ दो, खाली इंट लिखो, ठीक है। जो पेज है पेज को किस में लिखेंगे, इंट में फ्लोट इंट में। प्राइज है प्राइज को, फ्लोट, फ्लोट हम हटा दो, या तो फ्लोट में लिख दो या डेसिमल में लिख दो, ठीक है। तो डेसिमल में इसको लिखेंगे, डेसिमल एम कोमा डी, या साइज कोमा डी, उस तरह से। तो ये यूज करेंगे। तो देखो जब हमें टेबल बनानी, तो क्या से क्वेरी लिखेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है बुक, ठीक है, पहला कॉलम का नाम आईडी है, उसका टाइप है इंट कोमा, दूसरे कॉलम का नाम है पेज, उसका टाइप भी है इंट कोमा, फिर है प्राइज, और प्राइज में हम यहाँ पे लिख देंगे डेसिमल, ठीक है। और मान लिया बुक के प्राइस में देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिजिट तक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे टोटल 5 लिख दो, लेकिन बड़ा भी हो तो हम फालतू ही लेके चलते हैं, अगर मान लिया हजारों में भी हो गया किसी बुक का, तो आपने 5 6 7 ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। मान लिया मैंने 6 लिख दिया, और डेसिमल के बाद में 2 डिजिट लिखनी है, तो इस तरह से करके आप सेमी कोलन लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो जाएगी इससे। तो अब देखो यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे हम, ये क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है बुक, ब्रैकेट लगाएंगे, आईडी इंट कोमा पेज इंट, ठीक है। इंट की जगह आप इंटीजर भी लिख सकते हो, ठीक है, इंट लिख दो, इंटीजर लिख दो, या साइज करके, कोमा प्राइज, और प्राइज में हमने लिख दिया डेसिमल, और यहाँ पे 6.2 इस तरह से, ये भी ब्रैकेट बंद है। तो क्वेरी ओके हो गई, हमारी क्वेरी चल गई, टेबल बन गई। अब आप अगर 100 टेबल्स करेंगे तो इस डेटाबेस में ये एक टेबल आपको दिख जाएगी, ठीक है। CUET डेटाबेस जो है उसमें एक बुक नाम की टेबल बनी हुई है, ठीक है। इसको आप नोट कर लो कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, जल्दी से नोट कर लो। सर हो गई, चलो बहुत अच्छा। अब बेटा हमें ये देखना है कि इस टेबल के अंदर जो हमारे पास हमने क्रिएट करी है, ठीक है, अभी तो हमें पता है कि हमने ये टेबल क्रिएट करी है। अब मान लिया आज का काम खत्म, मैंने क्लास बंद कर दी, अब कल हमने मान लिया ओपन किया, और मैंने यहाँ पे माई एसक्यूएल ओपन कर लिया, अब इसको हमने लॉगिन किया और आपसे पूछा गया कि भाई CUT नाम का जो डेटाबेस था उसमें हमने जो टेबल बनाई थी उस टेबल में डेटा एंटर करो। तो आप चलो यूज कर लेंगे CUET। अब आपको टेबल का नाम ही याद नहीं रहा कौन सी टेबल बनाई थी, तो क्या करोगे, कैसे पता चलेगा टेबल का नाम, सो टेबल्स कर देंगे, तो 100 टेबल्स हम यहाँ पे कर देंगे,
तो टेबल का नाम पता चल गया। अब टेबल में तो डेटा तब एंटर करेंगे जब हमें ये पता हो टेबल में कौन कौन से कॉलम है, कौन कौन से कॉलम है इसमें। वो कैसे पता चलेगा भाई? कॉलम तो पता होने चाहिए, तभी तो वैल्यू उसके अकॉर्डिंग हम इनपुट करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर हमें पता करना कि टेबल में कौन कौन से कॉलम बने हुए हैं, उनका क्या टाइप है, टेबल की स्ट्रक्चर पता करनी मतलब, तो यहाँ पे एक क्वेरी होती है DESC। DESC का मतलब होता है डेस्क्राइब करो, किसको, इस टेबल को, बुक नाम की टेबल को। तो देखो ये इस तरह से बता देगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेरी नंबर 7 है आपको, टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ टेबल, 100 टेबल तो कल ही करा दी थी आपको, टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल। तो आप क्वेरी लगाएंगे DESC और टेबल का नाम। ठीक है, ये क्वेरी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा DESC और बुक। ठीक है बेटा, तो इसमें फील्ड का मतलब होता है कॉलम, आईडी, पेज और प्राइस नाम के 3 कॉलम है। ये इंटीजर टाइप का, ये भी इंटीजर, हमने लिखा था इंटीजर इसमें, लेकिन ये इंट बन गया अपने आप ही, तो बाय डिफॉल्ट इंट बन जाता है, इंटीजर लिखो या इंट लिखो। ठीक है, ये डेसिमल है 6.2 में, इनमें नल वैल्यू लिख सकती हैं, ये आगे इसकी प्रॉपर्टी है, कॉलम की एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी है, ये कंस्टेंट में होती हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो अभी आप ये देखो, ये हमारे पास बन गया। तो ये जो क्वेरी है DESC, ये ऐसे भी आप यूज कर सकते हो, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा डेस्क्राइब लिख दो आप, डेस्क्राइब और टेबल का नाम। ठीक है, यानी हमारे पास इस तरह से आप बना दो, डेस्क्राइब और टेबल का नाम है बुक। तो DESC शॉर्ट में DESC से भी चल जाएगा, और आपको अगर पूरा लिखना तो आप पूरा भी लिख सकते हो ऐसे कि डेस्क्राइब, ठीक है, और बुक, तो ये भी सेम आउटपुट देगा आपके पास। समझ आई बात यहाँ पर कि हम टेबल कैसे बनाते हैं? अब देखो, जो हमारे पास ये न्यूमेरिक डेटा टाइप थे बेटा, इनमें हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो है एंट्री कैसे करेंगे अब इस टेबल में डेटा की। तो जैसे हमने बताया था कि मान लिया हमारे पास बुक की आईडी है 1 2, उनके पेज हैं 400, 350, प्राइस दिए हुए हैं, तो वो हमें एंटर करना है इसमें। तो अगर डेटा इंसर्ट करना, तो अभी तक जो भी हम क्वेरी कर रहे थे सारी क्वेरी DDL टाइप की हो रही थी, स्ट्रक्चर बना रहे थे, टेबल बना रहे थे, डेटाबेस बना रहे थे, अब हम डेटा पे काम करेंगे। ठीक है, तो डेटा पे जो काम होता है वो कौन सी टाइप की सब लैंग्वेज होती है बताओ, क्या नाम है उसका, DDL, DML या DCL या DQL? हाँ बेटा श्रुति, DDL नहीं बेटा, डेटा पे काम करते हैं DML में। ठीक है, DDL तो ये थी क्रिएट वाली, जिनसे हम क्रिएट करते हैं, तो अब हम DML वाली क्वेरी पे करेंगे काम। डेटा पे जब भी काम करना मतलब रो इंसर्ट करनी ना अब हमें इसमें, तो रो बनाने के लिए रो पे जो भी काम होता है वो DML में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट नाम की क्वेरी होती है, इससे हम जो है डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास 8 नंबर की क्वेरी है, टू इंसर्ट डेटा इनटू द टेबल। तो कैसे लगाएंगे, क्वेरी है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। ठीक है, इंसर्ट करनी है, कहाँ करनी है, किस टेबल में करनी है, उसका नाम दे देंगे। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज लिख के कॉलम जो है हमारे पास, इसमें इंसर्ट करने के अलग अलग तरीके, ये पहला तरीका है। ठीक है, ए लिख दिया इसमें हमने, तो वैल्यूज करके पहले कॉलम की वैल्यू, दूसरे कॉलम की, तीसरे कॉलम 1 की वैल्यू,
कोमा कोलम टू की वैल्यू, ऐसे ही जितने भी कॉलम है सबकी वैल्यू देनी है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, किसी कॉलम की वैल्यू आप स्किप नहीं कर सकते, सबकी वैल्यू देनी मैंडेटरी है और उसी ऑर्डर में देनी है जिस ऑर्डर में आपने टेबल में कॉलम बनाई है। पहले आईडी है तो पहले आईडी की, फिर पेज की, फिर प्राइस की, आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिस ऑर्डर में आपको देना है उसी ऑर्डर में देनी है और सारी वैल्यू देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये नोट कर लेना, नो वैल्यू कैन बी स्किप एंड ऑर्डर मस्ट बी सेम एज द कॉलम नेम, ठीक है, एज द कॉलम, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। अब देखो कैसे हम करेंगे, यहाँ पे क्वेरी लगाएंगे हम, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है बुक, ठीक है, कोमा लगा के हमने लिख दिया वन, ठीक है, जो हमारे पास आईडी है बुक की, पेज है उसमें 400, प्राइस है 350 रुपये 50 पैसे, ये करेंगे ब्रैकेट बंद और सेमी कोलन भी लगा देंगे यहाँ पे, सेमी कोलन, सेमी कोलन हर क्वेरी के बाद में लगाना है। तो ये सेमी कोलन दे दिया, वैल्यूज नहीं लिखा हमने, वैल्यूज लिख देते हैं, वैल्यूज, ठीक है। तो क्वेरी ओके होगी और हमारे पास एक रो बन गई है, ठीक है। इसको अगर आपको देखना है तो देखने के लिए DQL होती है, सेलेक्ट वाली क्वेरी, ऐसे लगाते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है हमारा, बुक, ठीक है। तो इससे हमें ये शो हो जाएगा कि इस टेबल में ये वैल्यू है, ठीक है बेटा, समझ में आई यहाँ तक बात, कि हमें किसी भी टेबल में कैसे डेटा इंसर्ट करना और कैसे उसे देखना है। अब देखो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे दूसरी बुक की डिटेल करता हूँ, उस बुक में 350 पेजेज हैं, ठीक है, और उस बुक का प्राइस जो है वो 180 रुपये 90 पैसे है, 180 रुपये 90 पैसे, एंटर कर दिया, शो कर लिया, तो ये भी हमारे पास इंसर्ट हो गई, इस तरह से होगा, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ, मान लिया हमारे पास बुक नंबर 3 है, उसमें भी हमारे पास 400 पेज हैं, लेकिन उसका प्राइस 1350 रुपये 50 पैसे है या 55 पैसे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एंटर किया, वन रो अफेक्टेड हो गई आपके पास, और सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आ गई। अब कोई एक बुक और इंसर्ट कर लेते हैं, बुक नंबर 4, और उसका प्राइस हमने कर दिया 1180 रुपये, ठीक है, ऐसे कर दिया 909 पैसे, यहाँ पे एंटर करेंगे, वन रो अफेक्टेड हो गई। अब लेकिन वन रो अफेक्टेड हो गई, आप सेलेक्ट करेंगे तो 91 ही आएगा, वो इतना नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने जो डेसिमल में साइज दिया था वो बेटा डेसिमल के बाद 2 दिया था, तो ये 2 डिजिट तक ही रखेगा, उसके बाद अगर लिखोगे आप वो नहीं लेगा, उसको हटा देगा, राउंड ऑफ कर दिया उसने, ठीक है, 2 डिजिट ही शो करेगा डेसिमल के बाद। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे एक बुक और इंसर्ट कर दी, बुक की आईडी 5 कर दी, उसके पेज मान लिया 4000 पेज की बुक है, ठीक है, और प्राइस उसका 11350 रुपये 55 पैसे है, एंटर करा तो ये नहीं लेगा, क्यों नहीं लिया इसने, इसको बता सकता है कोई बच्चा, बेटा कितनी डिजिट होगी इसमें टोटल, 2, 2 4 और 1 5 और 2 7 हो गई, यहाँ पे 7 हो गई, किसकी वैल्यू, साइज की वैल्यू, साइज यानी एम की वैल्यू यानी स्केल की वैल्यू, और स्केल हमने दिया था 6, तो 6 तक ही ले सकता है स्केल, ठीक है, 6 से ज़्यादा आप कर दोगे तो वो नहीं लेगा। 6 स्केल का मतलब, जैसे देखो आपने ये लिखा डेसिमल, हमने लिखा था 6.2, तो इसका मतलब है डेसिमल से, ये टोटल है तो डेसिमल से पहले, बिफोर डेसिमल, बिफोर
डेसिमल, डेसिमल से पहले चार डिजिट ही आएंगी, चार डिजिट से ज़्यादा नहीं होंगी। आफ्टर डेसिमल आपके पास दो डिजिट्स होंगी, ठीक है, लेकिन डेसिमल के बाद आप दो से ज़्यादा डिजिट लिख सकते हो, उनको तो वो राउंड ऑफ कर देगा रिजल्ट में, लेकिन डेसिमल से पहले वाली तो राउंड ऑफ नहीं होंगी, तो ये तो मस्ट हो जाएंगी। ये दो डिजिट रिजल्ट में ही होंगी, आप इंसर्ट करते वक्त दो से ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है, इंसर्ट करते हुए कैन बी मोर देन टू, ठीक है, मोर देन टू हो जाएगा, लेकिन डिस्प्ले दो ही होंगी। ये जो चार डिजिट हैं ये चार इंसर्ट ही नहीं होंगी, चार से ज़्यादा डिस्प्ले भी चार ही होंगी, इंसर्ट भी चार ही होंगी। तो देखो अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस कितना दे सकता हूँ बुक का बताओ, मैक्सिमम प्राइस कितना हो सकता है? चार 9999.99, ठीक है, ऐसे कर दो तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है, इतना प्राइस आ गया। अगर आप इससे ज़्यादा पे जाएंगे, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एक और 9 लगा दिया तो ये हमारे पास आउट ऑफ रेंज कर दिया, क्योंकि अब इसको राउंड ऑफ भी करेगा ये तो 10,000 बन जाएगा, वो राउंड ऑफ भी नहीं होगा ना ये यहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे 1 लिख देते तो ये इंसर्ट हो जाता, क्योंकि अब राउंड ऑफ करके इतना ही रहेगा ये, ठीक है। आप यहाँ पे जो है कितनी भी डिजिट लिख दी बाद में तो इंसर्ट कर देगा, क्योंकि राउंड ऑफ होकर उतना ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा समझ में आ गया डेसिमल का सिस्टम कॉन्सेप्ट क्या है। यस सर, किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ पे पूछ लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमने अगर लिखा डेसिमल इतना तो मैक्सिमम वैल्यू आप कितनी लिख सकते हो। अगर मैं कहता हूँ डेसिमल 5.2 तो इसमें बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 5 नहीं बेटा, 9999.99 इतने तक लिख सकते हो, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। टोटल 5 डिजिट ही रहेंगे यहाँ पर और 999 करके कर सकते हो, ये मैक्सिमम इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास कि हम कैसे न्यूमेरिक वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हमने देखा बेटा कि हमारे पास हम एक रो को इंसर्ट करने के लिए एक क्वेरी लगानी पड़ी, दूसरी रो इंसर्ट कर रहे तो दोबारा लिखनी पड़ी, तीसरी रो कर रहे तो फिर दोबारा, अगर मुझे एक ही साथ 3-4 बुक की एंट्री करनी तो बार बार क्वेरी लिखनी पड़ रही मुझको। मैं चाहता हूँ एक ही क्वेरी में हमारे पास 3 बुक की एंट्री हो जाए, तो कैसे करोगे आप वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो यानी इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड्स यानी रोज इन ए सिंगल क्वेरी, तो बेटा ऐसे लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यूज कॉलम 1 की वैल्यू, कॉमा कॉलम 2 की वैल्यू एंड सोन जितनी भी लिखनी, फिर ब्रैकेट बंद करके फिर कॉमा लगा देंगे, फिर से कॉलम 1 की वैल्यू, कॉमा कॉलम 2 की वैल्यू, कॉमा एंड सोन, फिर कॉमा लगा के जितने भी आपको करने ऐसे ही आप करते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो जैसे मान लिया मुझको 3 बुक की एंट्री करनी है यहाँ पे, तो मैं लिखूँगा इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है बुक वैल्यूज़, ठीक है, और यहाँ पे मान लिया मैंने डाल दिया 6 नंबर, 300 पेज हैं, 200 रुपये की बुक है, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट में अगर आप वो नहीं लगाओगे तो ऐसे भी छोड़ दो, वो अपने आप उसको पॉइंट में कर लेगा, ठीक है। दूसरी बुक है उसकी आईडी 7 है, उसमें पेज 320 हैं, उसका प्राइस 400 रुपये है, 34 पैसे है। फिर 8 नंबर की बुक है, उसमें 450 पेज हैं,
और 340 रुपये 20 पैसे उसका प्राइस है। ये हमने कर दिया, इंसर्ट होगी एक ही बार में 3। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट कर दो तो देखो ये आ गया, जिसमें हमने खाली 200 करा था उसने अपने आप 0.00 लगा दिया, क्योंकि हमने प्री सेशन में 2 लिखा हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट 2 लेगा ही लेगा वो। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल रिकॉर्ड एक ही टेबल में इंसर्ट कर सकते हो। समझ आ गया यहाँ पर इंसर्ट वाली क्वेरी कैसे काम करती है और न्यूमेरिक डेटा टाइप हमारे कैसे काम करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। यहाँ बेटा हमने इंसर्ट करने का कॉन्सेप्ट समझा है पहले कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम से कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं। इसमें ये लिखवाया था आपको कि ये मैंडेटरी है कि आपको पहले आईडी की वैल्यू देनी, फिर पेज की, फिर प्राइस की, आगे पीछे नहीं कर सकते और किसी वैल्यू को स्किप नहीं कर सकते। लेकिन मान लिया आपको किसी बुक का प्राइस नहीं पता कि क्या प्राइस है और आपको वो बुक इंसर्ट करनी, प्राइस बाद में डिसाइड करा जाएगा, तो कैसे करोगे आप? ठीक है, यानी कोई वैल्यू आप छोड़ना चाहते हो कि वो नहीं करना, या उनके जो है आगे पीछे कैसे भी किसी भी ऑर्डर में इंसर्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे? देखो अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट वाली क्वेरी लगा देता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास एक 9 नंबर वाली बुक है और उस बुक में जो है 500 पेज हैं लेकिन उसका प्राइस मुझको नहीं पता। ठीक है, बुक की दुकान पे जो बंदा काम करता है वो एंट्री कर रहा है लेकिन बुक का मालिक है नहीं, नई बुक आई है उस पर प्राइस मेंशन नहीं है। ठीक है, तो या डिस्काउंट देना है उस बुक पे, कितना देना उसे नहीं पता, तो प्राइस उसको नहीं पता तो उसे एंट्री करनी कैसे करेगा? तो ये हो ही नहीं रही। ठीक है, वो कह रहा कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट। कॉलम काउंट क्या है? कॉलम 3 है और वैल्यू कितनी है? वैल्यू हमारे पास है 2, तो ये मैच नहीं करी तो इसलिए हुआ नहीं। ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम है इसमें, यहाँ पे वैल्यूज लिखना, एक तो वैल्यू नहीं लिखना पहले तो देखो ये हमारे पास प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम बेटा हमारे पास ये है, अगर हम देखो यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं, वैल्यू से क्या होगा? अगर मान लिया प्राइस आपको पता चल गया कि इसका 400 रुपये है तो वैल्यू से भी हमारे पास हो जाएगा क्योंकि एक ही वैल्यू डाल रहे हैं। मल्टीपल करनी होती है तो वैल्यूज लिख लेते हैं, सिंगल करनी तो वैल्यू से भी चल जाता है। ठीक है, अगर हमें एक ही बार में 2 बुक की एंट्री करनी है जैसे 10 नंबर की और यहाँ पे इसकी प्राइस 560 और यहाँ पे 300 रुपये, ठीक है, एंटर करा तो भी हमारे पास चल गया। ठीक है, ये वाली क्वेरी में इस तरह चल जाएगा। तो मतलब आप वैल्यूज लिखो या वैल्यू लिखो तो दोनों से हमारे पास चल जाता है क्वेरी। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि हम जैसे यहाँ पे इंसर्ट करने हैं बेटा, तो एक तो हमारे पास प्राइस नहीं पता, दूसरा अगर मान लिया प्राइस पता है, मैंने पहले प्राइस डाल दिए कि पहले लिख दिया 650 रुपये 25 पैसे की बुक है और फिर उसमें डाल दिए कि उसकी आईडी है 11 नंबर और फिर लिख दिया उसके पेज हैं 600 उसमें, तो एंटर करा ये हो गया एंटर। अब लेकिन ये 650 बन गई उसमें आईडी, उसने क्योंकि न्यूमेरिक था तो न्यूमेरिक तो ले लिया, तो ये गड़बड़ होगी, गलत तरीका हो गया यहाँ पर। तो ऐसे हम क्या करें कि हमारे पास, हमने तो आईडी 11 लिखनी थी लेकिन वो 11 बन गया पेज। ठीक है, तो ये गलतियाँ हो जाती हैं इस तरह की क्वेरी लगाने में। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप एक क्वेरी और होती है इंसर्ट की, वो लगा सकते हो। 10 नंबर की क्वेरी हम समझते हैं। क्या है क्वेरी? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और आप कॉलम के नाम दो, जिस कॉलम की वैल्यू लिखनी वही कॉलम का नाम, यानी यहाँ पे कॉलम का नाम दो, फिर दूसरे कॉलम का नाम, जो भी कॉलम जिस ऑर्डर में देना आप वो दे सकते हो, जितने कॉलम दोगे उतने दे दो, इनमें नाम आगे पीछे कैसे भी लिख दो, फिर आप यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे और फिर उनकी कॉलम 1 की वैल्यू, ठीक है, कॉलम 2 की वैल्यू,
ठीक है, इसी तरह से आप देते तो चले जाओ, मतलब आप कॉलम का नाम भी मेंशन कर दो, जी जिसका नाम मेंशन करोगे उसकी वैल्यू मेंशन कर दो, किसी भी ऑर्डर में कर दो, तो हमारे पास हो जाएगी। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया इस तरह से कि सेलेक्ट वो इंसर्ट इनटू और टेबल का नाम है बुक, और मैं कहता हूँ भाई मुझे आईडी पता है और पेजेस पता है, ठीक है, पेज लिखा हमने, पेज लिखा, मुझको प्राइस नहीं पता तो मैं प्राइस को लिखता ही नहीं, छोड़ दिया मैंने। अब यहाँ पे वैल्यूज लिख दी मैंने और आईडी मैंने कर दी 11 नंबर है और उसके पेज जो है 650 है, ठीक है, ये कर दिया तो इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब जो वैल्यू हमें नहीं पता थी उसकी जगह नल आ जाएगा, ठीक है। नल का मतलब होता है, आपको बताया था नल पहले भी, कि नल का मतलब होता है अननोन वैल्यू, ठीक है, या एम्प्टी वैल्यू, जो हमें नहीं पता या खाली है उसको बोलते हैं नल। तो अब देखो हमें नहीं पता थी, हमने नहीं लिखी, आपको ये आगे पीछे करके लिखनी वो भी कर सकते हो आप। जैसे हमारे पास बेटा ये आपने पहले लिख दिया प्राइज, ठीक है, फिर लिख दिया आपने आईडी, फिर लिख दिया आपने पेज, ठीक है, वैल्यूज में जाके प्राइस पहले लिख दिया आपने, प्राइस 355 रुपये 25 पैसे है, आईडी इसकी 12 है, ठीक है, पेज इसमें 680 है, तो कोई बात नहीं यहाँ लिख दो, लेकिन टेबल में सही तरह से इंसर्ट होंगे ये, ठीक है, टेबल में देखो सही तरीके से ही गए हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप यहाँ कॉलम के नाम भी मेंशन कर देते हो तो वो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आप वैल्यू लिख लो, किसी भी ऑर्डर में लिख लो, ठीक है, और तो आपकी एग्जैक्ट सेम ही वैल्यू जाएंगी, सही तरीके से वो टेबल जैसे बनी हुई है उसी ऑर्डर में पहुंच जाती है। समझ में आ गया बेटा, किसी yes, को डाउट? अब देखो इस वाले में भी मैं यहाँ पर वैल्यूज की जगह वैल्यू लिख देता हूँ, इस वाली क्वेरी में भी वैल्यूज की जगह वैल्यू लिख देता हूँ, और ये 13 नंबर कर दिया हमने, तो भी हमारे पास इंसर्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिए जाते हैं कि हमारे पास जब हम इंसर्ट इनटू करते हैं तो कीवर्ड कौन सा यूज करते हैं, ठीक है, इंसर्ट इनटू में, तो वैल्यू वाला भी हो जाएगा हमारे पास, और वैल्यूज दोनों यूज होते हैं। आपको बुक में कहीं भी देखोगे तो वैल्यूज ही मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली आप करोगे तो वैल्यू भी है, वैल्यूज भी, क्योंकि वैल्यूज मल्टीपल होती हैं हमारे पास किसी उसमें, तो हम वैल्यूज लिख लेते हैं कॉमन ये, लेकिन वैल्यू वाले से भी चल जाएगा आपके पास, ठीक है। समझ में आई बात यहाँ तक? तो ये हमारे पास न्यूमेरिक डेटा टाइप हो गए, और न्यूमेरिक डेटा टाइप में हमारे पास किस तरह, नहीं पता मुझे, मैंने नल लिख दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला नल बन के आएगा, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये वाला नल बन गया, लेकिन अगर आपने इसको ऐसे कर दिया सिंगल कोट में लगा दिया तो ये नहीं चलेगा फिर, अब ये नाम ही हो गया नल, ठीक है, तो ये डेसिमल पॉइंट ही नहीं हुआ, ये बन गया टेक्स्ट टाइप का, जिसमें भी सिंगल कोट लग जाएंगे वो टेक्स्ट टाइप का बन जाएगा, अब ये मानेगा कि नल ही वैल्यू है उसकी, ठीक है, तो इस तरह से नहीं लेगा। अगर आप खाली नॉर्मल नल लिखोगे तो वो उसी तरह से कर देगा फिर, ठीक है, तब आप कर सकते हो ऐसे, अगर नॉर्मल नल आपने लिख दिया तो कर लो, ठीक है, जिसकी नहीं पता आप वो खाली नहीं छोड़ सकते, नल लिख दिया, बाद में उनको जब हमें पता चलेगी जब हम उसकी वैल्यू लिख देंगे, तो सिंगल कोट लगा के अगर कर दिया तो बेटा वो उसका नाम बन जाएगा। जो टेक्स्ट वाले अभी हम पढ़ेंगे तो टेक्स्ट वाली सारी चीज़ें सिंगल कोट में लिखी जाती हैं, तो नल को सिंगल कोट में नहीं लिखोगे आप, अगर सिंगल कोट में लिख दिया तो वो वैल्यू बन जाएगी, और नॉर्मल आप नल लिख रहे हो तो इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ वैल्यू या अननोन वैल्यू या एम्प्टी वैल्यू, ठीक है, वो वैल्यू नहीं होगी। समझ आई बात? अब देखो टेक्स्ट डेटा टाइप के बारे में बात करते हैं, जिनको हम बोलते हैं टेक्स्ट या स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो बेटा टेक्स्ट में एक होता है हमारे पास कैर,
इसमें हम साइज दे सकते हैं। दूसरा होता है हमारे पास वेयर केयर, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा, ठीक है, नोट कर लो भी, ये क्वेश्चन केयर और वेयर केयर का जरूर आपके पेपर में आना है, ठीक है। क्या होगा इसमें, इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कौन सा हम यूज करेंगे। केयर का मतलब होता है फिक्स साइज का, ये फिक्स साइज का होता है, और वेयर केयर का मतलब होता है वेरिएबल साइज, ठीक है। ये दोनों ही ASCII कैरेक्टर ही यूज करते हैं, मतलब अल्फा न्यूमेरिक इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे, और जो कीबोर्ड पे सिंबल नंबर वगैरह होते हैं डिजिट वो करेंगे। ये इंग्लिश के अलावा किसी दूसरी लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। जो कैर होता है इसका जो साइज होता है हमारे पास, इसका साइज 0 से लेकर 255 तक होता है। इसमें जो साइज की वैल्यू है वो 0 से लेकर 255 तक है, मतलब आप 255 कैरेक्टर लिख सकते हो बाय डिफॉल्ट, ठीक है। मैक्सिमम 255 कैरेक्टर लिख सकते हो इसमें, और साइज की डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ साइज वो हमारे पास होती है 1, मतलब एक कैरेक्टर आप लिख सकते हो। जबकि हमारे पास जो वेयर केयर है इसका जो साइज है इसकी रेंज है 0 से लेकर 65,535 तक, मतलब इतने कैरेक्टर आप लिख सकते हो इसमें, इतना बड़ा वर्ड आप लिख सकते हो इसमें 255। जैसे आपको किसी का नाम लिखना तो केयर में ही काम चल जाएगा, फादर नेम लिखना इसमें का चल जाएगा, लेकिन एड्रेस लिखना तो एड्रेस 255 से ज़्यादा होगा तो वेयर केयर में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम इतनी होगी हमारे पास इसके, वो दोनों के दोनों जो हैं इनमें हम लेटर लिख सकते हैं, अल्फाबेट्स, इनमें नंबर लिख सकते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, मतलब जो भी कीबोर्ड पे आपके हैं कुछ भी वैल्यू इनमें लिख सकते हो आप, ठीक है। ये दोनों ही हैं, ये बोथ के लिए हैं, और दोनों के दोनों जो हैं हमारे पास क्या होंगे, सिंगल कोट में लिखेंगे, सिंगल या डबल कोट के अंदर आप वैल्यू को लिखोगे, यानी या तो सिंगल कोट या डबल कोट में इनकी वैल्यू लिखी जाती है। इनमें डिफरेंस क्या हो गया, एक तो साइज का डिफरेंस है, और एक ये वेरिएबल साइज का और ये एक फिक्स साइज का है, ये मेन डिफरेंस है, वेरिएबल साइज और फिक्स साइज। तो इसी डिफरेंस के कारण हम वेयर केयर को यूज करेंगे, केयर को नहीं करेंगे, ठीक है, केयर को यूज नहीं करेंगे, हम वेयर केयर को करेंगे। इस डिफरेंस से क्या फर्क पड़ेगा ये हम समझते हैं, नोट कर लो इसको, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस होगा। हो गए सर। देखो बेटा, जो हमारे पास कैर है उसमें साइज है, जैसे मान लिया मैंने लिखा कैर 20, ठीक है, और यहाँ पे कैर 20 लिखा, ये फिक्स साइज का होता है, ठीक है, और एक हमने लिख दिया वेयर कैर, उसका साइज अगर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ये वेरिएबल साइज का होता है, ठीक है, यहाँ पे भी हमने लिख दिया वेयर कैर 20, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जैसे हमारे पास कैर है इसमें हमने लिखा, इंसर्ट करी, इसकी वैल्यू हमने लिखी राम, और इसमें भी राम लिखी, ठीक है, तो इस राम की लेंथ जो हम निकालेंगे तो इस राम की लेंथ क्या होगी, कितने कैरेक्टर हैं इसमें, तीन, और इस राम की लेंथ क्या होगी सर, ये भी 3 है, इसकी होगी 20, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो ये राम लिखा जाएगा ये आपको ऐसे लिखेगा, स्पेस 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 और ऐसे करके राम,
यानी यहाँ पे 17 स्पेसेस लगा देगा पहले और फिर राम लिखेगा, ठीक है। ये क्योंकि फिक्स साइज का, इसको 20 ही कैरेक्टर लिखने, आप कम लिखो या ज़्यादा लिखो इसको कोई मतलब नहीं, ये 20 ही करेगा। अगर आपने लिख दिया कैर 5, ठीक है, और राम लिखा आपने, तो ये 2 स्पेस और राम लगा देगा। अगर आपने लिख दिया मनमोहन, तो ये 5 कैरेक्टर ही लेगा, क्या डिस्प्ले करेगा, ये इसमें ये डिस्प्ले करेगा, इसमें MANMO ये ही डिस्प्ले करेगा आगे का डिलीट, ठीक है। तो इसको 5 ही रखना है, फिक्स है तो फिक्स। इसके अंदर क्या होता है बेटा, जैसे आपने राम लिखा, तो अगर आप 20 से कम लिख रहे हैं तो ये जितना लिख रहे हैं आप उतनी लेगा, तो मेमोरी वेस्ट नहीं होती, फालतू के स्पेस नहीं आते, तो इसलिए ये बेटर हो जाता है उस चीज़ में, ठीक है। आपके पास ज़्यादा लिखने होंगे अगर आपको, तो ज़्यादा तो ये भी नहीं करेगा, 20 कर रहे तो 20 ही रखने इसको, लेकिन कम पे ये फ़ायदा देता है, तो इसलिए हम वेर केयर का यूज करते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में यही पूछ लिया जाता है कि भाई हमने एक कैट 20 ले लिया, एक वेर कैट 20 ले लिया, राम इंसर्ट करा, तो इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी क्या होगी, इसकी 20 ही रहेगी, इसकी 3 ही रहेगी, ठीक है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब जैसे वेर कैर और कैर है, ये इसी तरह से बेटा एक होता है एन कैर, उसमें भी साइज, और एक होता है एन वेर कैर, उसमें भी आप साइज लिखते हो। ये जो है सेम है एज कैर साइज के, बट सपोर्ट यूनिकोड, यूनिकोड को सपोर्ट करता है, वो आस्काई में होते हैं, ये यूनिकोड में होते हैं। यूनिकोड का मतलब होता है बेटा कि इसमें आप किसी भी लैंग्वेज में यूज कर सकते हो, यानी एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, जो करना सब करो, ठीक है। ये भी सेम होता है, सेम एज वेर कैर साइज, ठीक है, बट सपोर्ट यूनिकोड, यानी एनी लैंग्वेज, ठीक है। अभी हमारे सिलेबस में ये हमें पढ़ने के नहीं है, इनकी प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए क्या है, इनके लिए कैसे लैंग्वेज कन्वर्जन करते हैं, वो यूजर से आती है तब ये सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए हम ये एन लगा देते हैं बस इसमें यूनिकोड पर जाने के लिए, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमारे पास ये कैरेक्टर वाले जो हैं या टेक्स्ट हैं, तो इन डेटा टाइप का यूज़ करके हम बना सकते हैं, समझ आ गई बात। अब देखो हम एक टेबल बनाते हैं और उसमें इन चीज़ों का यूज करके समझते हैं। मान लिया मैंने एक टेबल बनाई यहाँ पे, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम कर दिया जैसे स्टूडेंट, ठीक है। उसमें स्टूडेंट का नेम ले लिया एक, वो ले लिया मैंने कैर में, और साइज दे दिया 5, और एक उसके फादर का नाम ले लिया, वो कर दिया वेर कैर में, और साइज कर दिया 5, ठीक है। ये हमने ले लिया, टेबल हमारे पास बन गई। आप डिस्क्राइब कर सकते हो स्टूडेंट नाम की टेबल को, ये हमारे पास बन गई है, ठीक है। अब इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, पहले स्टूडेंट का नाम हमने राम लिख दिया, सिंगल कोट में लिखो या डबल में आपकी मर्जी है, ठीक है। फादर का नाम लिख दिया रमेश। अब आप यहाँ पे देखोगे फादर का नाम टू लॉन्ग बता दिया इसने, ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 ही कैरेक्टर वो अलाउ करेगा। इसमें कितने होंगे, इसमें होंगे 6, तो 6 कैरेक्टर ये नहीं लेगा, ठीक है, 5 ही कैरेक्टर लेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे नाम कर दिया हमने रमन, ठीक है, एंटर करा तो इंसर्ट हो गया। अब आप इसको सेलेक्ट करके देख लो, हमारे पास ये आ जाएगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, स्टूडेंट, ये आ गया राम और रमन।
ठीक है, अब बेटा हमारे पास, हमने दूसरी वैल्यू इंसर्ट करी, इसका नाम रमेश कर दिया और यहाँ पे राम कर दिया, तो अब भी नहीं इंसर्ट होगा, अब वो नाम बड़ा हो गया, पांच कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना है। तो यहाँ पे मैंने इस बार रमन कर दिया है और वहाँ पे राम कर दिया, तो ये हो गया। अब सेलेक्ट करेंगे तो रमन और राम इस तरह से बन गया, ठीक है। तो ये जो है बेटा हमारे पास कैर में और वैर कैर में हमारे पास यूज करके हम कर सकते हैं।